नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ફિઝિક્સ વાલા દેશભરમાં 77 નવા ટેક સક્ષમ ઓફલાઈન કેન્દ્રો શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે, જે વિશે તેઓ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે ગુણવત્તાયુક્ત સુલભ શિક્ષણ મળી રહેશે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2025-26ના વર્ષમાં તેઓ દ્વારા આ જે ઓફલાઈન કેન્દ્રો છે તે શરૂ કરવામાં આવશે તે માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે માટે અલગ અલગ રાજ્યોમાં આ કેન્દ્રો શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે, જેમાં ગુજરાતનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય તમિલનાડુ, જમ્મુ કાશ્મીર, મહારાષ્ટ્ર સહિતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં તેઓ ઓફલાઈન કેન્દ્રો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ વિસ્તરણ તેના હાલના 126 વિદ્યાપીઠ અને પાઠશાળા કેન્દ્રો ઉપરાંત 141 શહેરોમાં પીડબ્લ્યુની ઓફલાઈન પદચિહ્નને અસરકારક રીતે બમણી કરે છે. આ વ્યૂહાત્મક વૃદ્ધિ દ્વારા પીડબ્લ્યુનો હેતુ ટાયર 2 અને ટાયર 3 શહેરોના વિદ્યાર્થીઓ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની પહોંચને નોંધપાત્ર રીતે વધારવાનો છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે તે સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ સેવા ન ધરાવતા વિસ્તારોમાં પહોંચશે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25માં પીડબ્લ્યુની વિદ્યાપીઠ અને પાઠશાળા કેન્દ્રોમાં 2 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે, જે સમગ્ર ભારતમાં શિક્ષણને લોકશાહીકરણ કરવાના પીડબ્લ્યુના મિશનમાં વધતા વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પીડબ્લ્યુ આગામી શૈક્ષણિક વર્ષમાં અન્ય 2.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષિત કરવાનો ધ્યેય રાખે છે અને દરેક શીખનારને ખીલવા માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અને સંસાધનો પૂરા પાડવા માટે સમર્પિત રહે છે. એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે શિક્ષણ સશક્તિકરણ અને બધા માટે સમાન તકનું સાધન બને. હાલમાં સમગ્ર દેશમાં લગભગ દરેક આઈઆઈટી અને એઇમ્સમાં પીડબ્લ્યુનો એક વિદ્યાર્થી છે. શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25માં પીડબ્લ્યુની વિદ્યાપીઠ અને પાઠશાળા કેન્દ્રોમાં 2 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે અને તેઓનું આ લક્ષ્ય છે કે હજુ પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ પીડબ્લ્યુમાં આવે. મેમ, રાજીવ સિંહ હે, આઈ એમ ધ બિઝનેસ હેડ ઓફ ફિઝિક્સ વાલા વડોદરા. તો આજ જો હમ લોગો પ્રેસ કોન્ફરન્સ હે, ઉસમે જસ્ટ હમને આપકો જો બતાયા હે કે ફિઝિક્સ વાલા કા જર્ની ક્યા હે. जैसे 2014 में हमारा स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन सेगमेंट में, और आज के डेट में 105 सिटीज़ में हम लोग ऑफलाइन प्रेजेंस हम लोग का है. तो वडोदरा में जो हम लोग का सेंटर है, दिस इज़ प्योरली ऑफलाइन, जो विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है. जनरली क्या होता है ना कि कोई भी बच्चे आ सकते हैं, जिसको मान लीजिए ये आईआईटी क्रैक करना है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करना है, किसी को नीट क्रैक करना है, किसी को अपने स्कूल में अगर मान लीजिए किसी का परसेंटेज 40-50% है, उसको और अच्छा परफॉर्म करके बोर्ड टॉपर बनना है या फिर बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो सारे बच्चे के लिए हम लोग ओपन है. देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ना, तो 1400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1.5 साल हुआ हमारे यहाँ पर. तो हम लोग 8th से 12th एंड ड्रॉपआउट बच्चे को पढ़ाते हैं यहाँ पर. तो आज के डेट में 1400 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. जी सर, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग. उस एक टेस्ट है हमारा, उसका नाम है PWNSAT, मीन्स PWNSAT स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें बच्चों को लाइक मतलब 10% से 100% प्लस कैश स्कॉलरशिप और प्लस यू नो लाइक फ्री एजुकेशन भी मिलता है बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस. सो आई एम संकल्प जोशी, आई एम सेंटर हेड एट वडोदरा विद्यापीठ. आई लुक आफ्टर ऑल द एकेडमिक पार्ट्स. तो आज हम लोगों ने जो सेशन रखा था, दैट इज़ प्री दिवाली सेशन, जिसमें हम लोग आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाह रहे थे रिलेटेड टू आर ऑफरिंग्स, हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं. तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू, जिसमें हम लोगों ने आप लोग को ब्रीफ किया रिलेटेड टू हाउ वी टीच द स्टूडेंट्स, हम लोग का मैथोलॉजी कैसा होता है, कैसे हम लोग पेरेंट्स बच्चे के साथ मिल के एक बच्चे के बेस्ट फ्यूचर के लिए वर्क करना चाहते हैं. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल योर व्यूअर्स ऑल्सो कि वेन एवर पॉसिबल फॉर यू, प्लीज़ गिव अस सम टाइम, विजिट आर सेंटर. हम लोग आप लोगों को और डिटेल में बताना चाहेंगे कि क्या हमारा टीचिंग मैथड है, हम कैसे आपके बच्चे को इन्वॉल्व करके उसमें से उसका बेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं. सो यही आज हम लोग का इंटरेक्शन रहा, दैट वॉट इज़ आर टीचिंग मैथोलॉजी एंड हाउ वी कैन डू आर बेस्ट टू हेल्प योर चाइल्ड अचीव योर गोल्स. थैंक यू. सर, बड़ा शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है जो लोग आपके प्रति आए? ये सर बहुत अच्छा सवाल है कि हम लोग क्या डिफरेंट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. तो जो हम डिफरेंट कर रहे हैं वो ये है सर कि एक तो हम सबसे पहले आपके बच्चे के साथ 1-to-1 इन्वॉल्व होकर वर्क करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके बच्चे को एक पर्सनल टच मिल पाना. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग के जितने भी कैंपसेस हैं, दे आर कम्प्लीटली टेक इनेबल्ड. तो हम लोग के सारे लेक्चर्स 100% रिकॉर्ड होते हैं. तो कभी बच्चे का गलती से कोई क्लास मिस हो जाए, किसी रीज़न से बीमार हो जाए, तो उसका क्लास कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअली उसे वो हमेशा मिल जाएगा.
नेक्स्ट हम लोग बच्चों के डाउट डिस्कशंस के लिए वी हैव अ वेरी डिफाइंड डाउट डिस्कशन सिस्टम जिसमें बच्चा आके अपने इंडिविजुअल टीचर के साथ बैठ के डाउट्स क्लियर कर सकता है। अभी आप लोग जैसे जाएंगे तो आज भी हम लोग का जो डाउट सेशन है उसमें आप यहाँ पर विजिट करके देखते हुए जा सकते हैं कि वी हैव अ सिस्टम जहाँ पर उनके पढ़ाने वाले टीचर्स बच्चों के साथ बैठते हैं एंड इंडिविजुअली डाउट सॉल्व करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समवन हु इज़ अ टॉपर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, उसे कई बार चाहिए होता है कि मुझे क्या और बेहतर मिलेगा। तो हमारे पास PW इज़ अ बिग इकोसिस्टम, हमारे पास 105 सेंटर्स हैं। हम लोग के AITS में जो रैंकिंग उसे मिलेगी, हम लोग के टेस्ट में उसे जो रैंकिंग मिलेगी, वो रैंकिंग हमेशा उसके लिए क्लोज टू दिस ओरिजिनल रैंकिंग होगी, क्योंकि वो इतने बड़े यूनिवर्स में पेपर दे रहा है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ अपियरिंग अमंग 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स, तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स है कि रैंकिंग वुड बी ऑलमोस्ट क्लोज टू द ओरिजिनल रैंक। तो टॉपर्स के लिए इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, हम लोग इंडिविजुअली बच्चों के साथ बैठ के वर्क करते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हम उसको इंडिविजुअल क्वेश्चन लेवल एनालिसिस देते हैं हर पेपर की, ताकि वो टॉपिक लेवल तक जाके चेक कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें।